दिल्ली के शाहदरा जिला के गीता कॉलोनी इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वारदात को गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। हत्या के बाद सभी आरोपी उत्तराखंड के ऋषिकेश भाग गए थे, जहां से पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस सभी को दिल्ली लेकर आई है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। सभी खुद को नाबालिग बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक अपने परिवार के साथ गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में रहता था। इसके परिवार में पिता के अलावा माँ और बड़ा भाई है। वहीं मृतक एरिया में ही एक सीमेंट की दुकान पर काम करता था। खुलासे के दौरान पता चला है कि मृतक का आरोपी है कि बहन के साथ संबंध था और मृतक ने आरोपी को अंतरंग दृश्यों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। धमकी की वजह से लड़की के भाई ने हत्या की साजिश रची और अपने दोस्तों के साथ उसे अंजाम दे दिया। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और स्कूटी बरामद कर लिया गया है। साथ ही उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।